ओए बुबुबुए, तेरे पास और कितने सीक्रेट बेस है, सभी कम लोग को बता दे यार। ओए हे यार भैया, ये देखो तो इसके घर के अंदर एलिवेटर भी है। हे ओए मुना, वही तो मैं देख रही हूँ, ये देख तो एलिवेटर बिल्कुल वर्किंग कर रही है। ओए ओए बुबुबुए, तेरे पास इतना महंगा घर कैसे आ गया। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हे तो गाइस यार, सभी लोग कैसे हो, माइनक्राफ्ट में आपका सभी लोग का फिर से स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर गाइस हमारे साथ है स्टारों के स्टार बुबुबुए। हे और जैसे कि गाइस आप सभी लोग को पता ही है, जब भी वो हमारे माइनक्राफ्ट में आते हैं तमाली मचा के जाते हैं। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर हम लोग को ढूंढना है वो बॉय का सीक्रेट बेस। अगर हम लोग को सीक्रेट बेस इसका बैंड वो बॉय का मिल जाता है तो हम लोग उसको देखने वाले हैं कि अंदर से वो कैसा दिखता है। ओए और उसके अंदर थोड़ी बहुत तबाही भी मचा देंगे। ओए हे यार भैया, आप कहाँ से आ गए अचानक से, तबाही वगैरह नहीं मचानी है। तो गाइस आज की वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। तो चलो फिर हम लोग इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। हे भैया, आपको क्या लगता है कि बोबोई अपना घर कहाँ बना सकता है, इसका सीक्रेट बेस कहाँ पे हो सकता है। ओए बोबोई, जरा तू हमें थोड़ी बहुत हिंट वगैरह नहीं देगा क्या। बिल्कुल थोड़े से तो हिंट देते कि हम लोग तेरा सीक्रेट बेस को ढूंढ ले। ओए हे यार भैया, वो आज अपना मुंह नहीं खोलेगा। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, आप सभी लोग को तो पता ही हम लोग माइनक्राफ्ट के कितने ज्यादा बड़े प्रो हैं। और यहाँ पे अगर वो नहीं बोलेगा तो हम लोग इसे निकलवा लेंगे। हे ओए बुना, ये हुई ना बात, अब तूने बताया ना तू किसका जैक द फाइटर का भाई है। ओए हाँ यार भैया, लेकिन आप सोच सकते हो यार, माइनक्राफ्ट की इतनी बड़ी दुनिया में हम लोग कैसे ढूंढेंगे वो बॉय का एक सीक्रेट बेस, जो कि पता नहीं हवा में भी हो सकता है, पानी में भी हो सकता है, और या तो अंडरग्राउंड भी हो सकता है। लेकिन यार भैया, हमें ढूंढना तो पड़ेगा ही ना, वरना तो हम लोग चैलेंज हार जाएंगे ना। हे ओए मुना, ऐसे कैसे चैलेंज हार जाएंगे। यहाँ पे देख, यहाँ पे पंपकिन वगैरह रखे। ओए शिप को पता होगा, शिप तेरे को पता है कि यहाँ पे बॉय वगैरह नाम का घर है क्या। ओए हे यार भैया, ये शीप तो हमें भाव ही नहीं दे रही है। कोई बात नहीं, हम लोग खुद ही ढूंढ लेंगे घर इसका। ओए मुना, मैंने देख लिया, इस एरिया में नहीं है। यहाँ पे पंपकिन वगैरह तो रखे हुए बढ़िया से, एकदम ताजे ताजे, लेकिन यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे घर वगैरह का बटन वगैरह नहीं दिख रहा। ओए हाँ यार भैया, ये देखो तो शीप के साथ वो प्लानिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या ही प्लानिंग चल रही है। ओए रुक जा, फिर तो देखते हैं ना, अपने बोबोए को बताते हैं। तो गाइस सामने की तरफ यहाँ पर एक वॉन्डरिंग ट्रेडर है, इनको मारने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। दूर से एंगल लगाते हैं और इसके ऊपर मारते हैं। ओ ये क्या मुरा, तेरा निशान है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो गया यार। ओए हाँ यार भैया, मैंने माइनक्राफ्ट की प्रो टिप्स काफ़ी ज़्यादा देखी है। तो ये देखो भैया, मैं निकालता हूँ निशाना, मैं आजकल घर पे कॉकरोचेस को मारने की ट्राई कर रहा हूँ। और भैया यहाँ पर निशान इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है मेरा है। और रुक जा, फिर तो कॉकरोचेस की तरह इसको ही मारते। ओ ये मर गया। तो गाइस यार, हमें अभी तक बोबोए का घर नहीं मिला है। एक मिनट यार भैया, यहाँ पर अलग से एक ट्री क्यों खड़ा है। और रुक जा, यहाँ पे ट्री भी और यहाँ पे फ्लावर वगैरह भी रखे हैं। ओ ये तो नहीं है इसका सीक्रेट बेस। अरे भैया पता नहीं, शायद ये इसका सीक्रेट बेस लग रहा है। बोबोए को बुला के पूछते हैं ना। हाँ ओए बॉय, देख तो हमने तेरा सीक्रेट बेस ढूंढ दिया, क्या यही है क्या तेरा सीक्रेट बेस, जो कि तू इतनी देर से छुपा रहा था हमसे। ओए यहाँ शायद से भैया इसे पूछते हैं यार बॉय। हाँ गाइस यार, यही है बॉय का सीक्रेट बेस। हमने तो वीडियो शुरू है 2 मिनट भी नहीं हुई और हम लोगों ने सीक्रेट बेस ढूंढ लिया है। लेकिन ये सीक्रेट बेस किधर है, यहाँ पर कोई बटन वगैरह तो दिख ही नहीं रहा है। और रुक जाए, यहाँ पे ये पाथ बना हुआ है लेकिन इसके आगे का रास्ता नहीं आ रहा। ओए लगता है यार भैया, ये देखो यहाँ पर भी है। हे ओए फिर तो बोबो, जल्दी से जरा हमको की पकड़ा दे जरा सी। ओए ये भैया, ये यहाँ पर बोबो की जो कि सीक्रेट बेस की है, लेकिन फिर इसका सीक्रेट बेस तो यहाँ पर कहीं है भी नहीं है। ओए बोबो भाई, तूने हमें उल्लू तो नहीं बना दिया, तू हमें कभी सोच रहा है कि हम लोग तेरे जाल में फंस जाएंगे। ओए ये तूने, ये मेरी तलवार जरा खा यार। ओए हाँ यार भैया, वो भी तो हमको पागल बना रहे हैं। यहाँ पे तो कहीं भी हमें सीक्रेट बेस नहीं दिख रहा है। इस की को हम लोग के हवा में यहाँ पर क्लिक करके देखे क्या। ओए रुक जा, फिर तो करके देखते क्या पे तो कुछ हो भी जाए। ओए ये क्या हो गया, ओए ये क्या मुन्ना। हे यार भैया, हम लोग तो समझ रहे थे कि बॉय तो गाइस हम लोग को उल्लू बना, तो गाइस यार सच्ची में यहाँ पर देखो तो ये इसका घर तो कितना हमसे भी ज्यादा बढ़िया है। हाँ गाइस, वो भी बात है कि हम लोगों ने अभी तक अपना वर्ल्ड में कोई भी घर नहीं बनाया। लेकिन गाइस फिर भी देखो तो यार, ये तो कितना ज्यादा ओसम घर लग रहा है। ओए मुना देख, तो कितना बढ़िया घर लग रहा है। ओए यार भैया, मैंने तो सोचा नहीं था कि बॉय के अंदर इतना भी दिमाग होगा कि यहाँ पर इतना अच्छा घर बना देगा ये है। हे यार भैया, ये देखो तो इसके घर के अंदर एलिवेटर भी है। हे
ओए मुना वही तो मैं देख रही हूँ, ये देख तो एलिवेटर बिल्कुल वर्किंग कर रही है। ओए ओए बबो तू ऐसी हमें कहाँ जगह पे लिया है, तू कहीं हमें किडनैप तो नहीं कर देगा ना? ओए हे भैया ये क्या, एलिवेटर तो हम लोग को ऊपर वाले कमरे में भी ले आया। ओए मुना ये तो मेरे को नहीं पता था कि इसके घर में एलिवेटर भी होगी जो कि लिफ्ट होगी एक तरीके की, मतलब एक तरीके के तो लिफ्ट ही लगी हुई है इसके घर पर, इसको तो बिल्कुल भी काम करने की जरूरत नहीं है, एकदम लिफ्ट में बैठा और एकदम से ऊपर पहुंच गया। ओए चेस्ट के अंदर क्या है, वो चेस्ट भी खाली पड़ा है। ओए ये क्या कमरा आ गया इसका अभी इस बार। हे यार भैया ये कमरा नहीं है, ये तो बाथरूम है इसका, जहाँ पर ये वगैरह नाता वगैरह है, जो भी कुछ करता है सुबह सुबह करता ही होगा, और उसे यहाँ पे बटन दबाएगा कि यहाँ पे लगता है। भैया इसके घर पे भी पानी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं हम लोग चलते हैं बाहर, हम लोग तो रूम देखने आए हैं। ओ ये तो रहा पानी, अरे भैया छोड़ो ना। ओए मुन्ना एक काम करते हैं बाकी के भी रूम देख लेते हैं इस बार। हाँ यार भैया ठीक है आगे के भी रूम देखते हैं इसके अंदर, और रूम क्या है। ओ ये के अंदर ही पूरा फार्म बना दिया इसने तो। हाँ यार भैया अंदर पूरा फार्म बना हुआ है जो कि ये देख ही सकते हो, यहाँ पर कैरेट वगैरह लगी हुई है, यहाँ पर बीटरूट वगैरह भी सब रखे हुए हैं। ओ ये तो बिल्कुल बढ़िया बना रखा है इसने तो यहाँ पर। ओ ये क्या छोटा सा एक्वेरियम भी है मछलियों के लिए। हाँ यार भैया देखो तो यहाँ पर फिश अच्छे से तैर रही है। एक काम करते हैं हम लोग नेक्स्ट फ्लोर पे चल के देखते हैं कि ऊपर वाले फ्लोर पे और क्या हो सकता है। ओए मना ऊपर थोड़ी है, ऊपर तो वहाँ पे खाली मंजिल था, यहाँ पर नीचे की साइड में होगा ना, फिर तो अंडरग्राउंड है ये घर। ओए हाँ भैया मैं भूल ही गया था, तो चलो हम लोग चलते हैं यहाँ पर लिफ्ट के अंदर और लिफ्ट के बंद होने का वेट करते हैं। इस बार हम लोग चलते हैं अपने इसके थर्ड फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पर तो हम लोग स्टार्टिंग से आए थे, सेकेंड फ्लोर ये रहा, अब थर्ड फ्लोर देखते हैं क्या आता है इस बार। ओ ये किधर आ गए हम लोग, अरे भैया हम लोग तो इस बार सीधा फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। कोई बात नहीं हमने फर्स्ट फ्लोर पे नहीं देखा है, पहले फर्स्ट फ्लोर देख लेते हैं उसके बाद हम लोग लास्ट वाला फ्लोर देखेंगे कि वहाँ पर क्या क्या हो सकता है। ओ ये हम लोग किचन में आ गया, बोला देखिए यहाँ पर खाना वगैरह भी रखा है, देख टेबल पे बैठ के तब बढ़िया सा सुबह सुबह नाश्ता हो जाएगा यहाँ पर। हाँ भैया देखो तो बिल्कुल बढ़िया घर बना रखा है, और ये देखो गाइस यहाँ पर चिमनी वगैरह आग भी लगी हुई है यहाँ पर बढ़िया सी, यहाँ पर आराम से कोई भी आराम से रह सकता है, यहाँ पर चेयर वगैरह भी रखी है। ओए बबो बो किधर चला गया। ओए यार भैया वो रहा थर्ड फ्लोर पे है, हम लोग लिफ्ट का बटन दबाते हैं और हम लोग भी चलते हैं ऊपर जल्दी से। हे ओ रुक जा फिर तो जल्दी चलते हैं ऊपर हम लोग भी बबो के पास। यार देखो ये आ गया है बबो भी, हम चलते हैं इस पर गाइस, हम लोग ऊपर जो सबसे हमारा फ्लोर है थर्ड फ्लोर है, हम लोग देखते हैं ये तो रहा अभी सेकंड फ्लोर। ओए जल्दी बंद हो यार लिफ्ट यहाँ पर। चलो गाइस ये हो गए लिफ्ट बंद, अब लोग हम ऊपर चलते हैं इस लिफ्ट के ऊपर देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है। ओए फिर तो जल्दी देखिए आ गया बोला थर्ड फ्लोर। ओए तो गाइस ये रहा इसका थर्ड फ्लोर, यहाँ पर देखो क्या है, इतनी सारी यहाँ पर चेस्ट रखी हुई है। ओए रुक जा फिर तो यहाँ पर आगे वाले रूम में क्या है, तो ये देखो यार भैया यहाँ पर ब्रूइंग स्टैंड है, यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल है, लाइब्रेरी है पूरी, यहाँ पे एन्चेंटिंग टेबल भी रखी हुई है, ये तो पूरा एन्चेंटिंग रूम हो गया, यहाँ पे एन्चेंट कर सकते हैं हम लोग। हे ओए कोई बात नहीं यहाँ पे मेरे को तो बिल्कुल बढ़िया वाला ये रूम लगा। ओए हाँ भैया मेरे को बढ़िया लगा, एक काम करते हैं लिफ्ट के आने का वेट करते हैं, क्या पता यहाँ पर कोई फोर्थ फ्लोर भी हो। ओए बो बो यहाँ पर कोई फोर्थ फ्लोर भी है क्या। ओए अरे यार भैया बोबो तो आज बोल ही नहीं रहा है कुछ, एक काम करते हैं हम लोग इसी लिफ्ट के अंदर वेट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ इस लिफ्ट के अंदर कितने ज़्यादा फ्लोर है। तो ये रहा यहाँ पर तो अभी सेकंड फ्लोर था, और लिफ्ट भी देखो गाइस कितनी ज़्यादा ऐसे हिल रही है कि हमें तो डर लग रहा है कि लिफ्ट गिर ही ना जाए। तो ये रहा फर्स्ट फ्लोर पर हम लोग आ गए, इस बार हम लोग वापस से ऊपर चल के देखते हैं कि इसके ऊपर फोर्थ फ्लोर है फिर या फिर नहीं। तो ये रहा अभी फर्स्ट फ्लोर, इसके बाद आएगा हमारा सेकेंड फ्लोर जो कि नीचे की तरफ है। ओ ये आ गया सेकंड फ्लोर, इसको जल्दी से लिफ्ट के होने का बंद होने का वेट करते हैं। ओए हाँ भैया ये देखो ये रहा थर्ड फ्लोर, इसके बाद आएगा और देखते हैं अगर गाइस फोर्थ फ्लोर है या फिर नहीं इसके अंदर। ओए जल्दी आ, ओ ये आ गया थर्ड फ्लोर भी, तो ये रहा थर्ड फ्लोर, इसके बाद देखते हैं कि फोर्थ फ्लोर है या फिर नहीं। ओए रुक जा किधर आ गया इस बार, ओ ये तो, ओए मना देखते लिफ्ट वापस से ऊपर आ रही है। ओए हाँ गाइज इसका मतलब यहाँ पर फोर्थ फ्लोर नहीं है, इस घर में सिर्फ तीन फ्लोर हैं जो कि हम लोगों ने सारे देख लिए। ओए मुन्ना सिवाय एक फ्लोर हमने अच्छे से चेक नहीं किया, और वो पता है तेरे को कौन सा है? यार भैया मेरे को नहीं पता, बताओ तो कौन सा। ओए देख ये वाला एरिया बहुत ही ज़्यादा मेरे को मस्त लग रहा है देख तो। ओए
हाँ भैया यार, ये रूम तो मैंने देखा है रे, यहाँ पर तो पूरा एकदम मिनी थिएटर लगा हुआ है, सामने की तरफ स्पीकर वगैरह रख के हम लोग टीवी बज रहा है देखो तो। ओए बैंड, ओए बो, थोड़ा चैनल वगैरह चेंज करना। ओए हे यार भैया, चैनल वगैरह तो चेंज होते रहेंगे, यहाँ पर लोग थोड़ी सी मस्ती करते हैं ना। हम लोग आए हैं बोबो के घर के अंदर। ओ ये क्या, मेरे निशाने से कैसे बच गया ये? ओए हे यार भैया, आप मेरे को बो दो, मैं मार के दिखाता हूँ। और रुक जा, मैं मारूंगा बोबो को तो। ओ ये लग जा निशाना। हे यार भैया, आपका भी निशाना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो गया है। ओए तू अकेले थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा है, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ साथ ही साथ। ओए ये देखो गाइस, हम लोग बोबो के साथ थोड़ी मस्ती कर रहे हैं। एक काम करते हैं गाइस, थोड़ी सी और मस्ती करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग खेलते हैं यहाँ पर हाइड एंड सीक। ओए बोबो, हाँ ये सही आइडिया दिया ओगी ने। एक काम करते हैं हम लोग इसी घर के अंदर हाइड एंड सीक खेल के देखते हैं, और हाइड एंड सीक में कितना मजा आएगा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा घर है। और एक काम करते हैं बोबो, तू जाके छुप जा जल्दी से। हाँ गाइस, यह बिल्कुल बढ़िया आइडिया है। एक काम करेंगे, बोबो छुपेगा और हम लोग यहाँ पर ढूंढेंगे उसको। और ये सीढ़ी किधर से आ गई, इसको इसके अंदर लगा दे, और जल्दी से हम लोग ना पहले टाइम देते हैं, और तेरे को छुपना है बोबो। ओए हाँ गाइस, तो एक काम करते हैं, पहले जो हमारे कैरेट वगैरह बोबो को दे देते हैं, अगर कैरेट इसको चाहिए होगी तो। हमें तो चाहिए नहीं, हम तो कैरेट खाते नहीं हैं। हे ओए रुक जा, फिर तो कैरेट उठा ले। ओए ओए बोबो, तो आपको मार क्यों रहा है ये तो बताना, हम लोग हाइड एंड सीख खेलने वाले हैं अभी तो। ओए अरे यार भैया, बोबो अपने पहले का बदला ले रहे हैं, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर काउंटिंग करते हैं। यहाँ पर बोबो अच्छी खासा छुप ही जाएगा इतनी देर में तो। ओए बोबो छुप गया क्या? एक काम करते हैं मुन्ना, थोड़ा थ्री काउंट करते हैं। ओए हाँ भैया रुको, मैं तो पूरे कॉर्नर में जाके काउंट करूँगा। तो गाइस चलो काउंट करते हैं, 3, 2, 1। तो चलो यार भैया चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो ही गया होगा बोबो को छुपने का, इतना ज़्यादा टाइम मिल ही गया होगा। तो चलते हैं बाहर और बोबो को ढूंढते हैं कि बोबो हम लोग को मिलता है या फिर नहीं। और रुक जाओ, थोड़ा सा और वेट कर लेते हो, बोबो आ रहे हैं हम लोग जल्दी से। तो गाइस चलो चलते हैं और बोबो को हम लोग ढूंढते हैं। लगता है बोबो इसी रूम के अंदर है, क्योंकि ऊपर एलिवेटर की तो मेरे को आवाज़ आई नहीं थी। और रुक जाओ, ओ दिख गया मुन्ना तेरे मेरे को तो पीछे। एक काम करते गाइस, हम लोग इसके साथ थोड़ी मस्ती करते हैं, हम लोग ऊपर वाले रूम में चले जाते हैं। ओए बोबो बुला रहे मुन्ना पीछे से, देख। ओए क्यों बुला रहे बोबो? तो गाइस यार ये देखो, बोबो तो हम लोग को मिल चुका है, हम लोग इसको धप्पा कर देते हैं। ओए ये देख, निशाना मार दिया मैंने तो। ओ ये क्या, बोबो तो एक ही हिट में मर गया। ओए यार भैया कोई बात नहीं, एक काम करते गाइस हम लोग चलते हैं बैंड, बोबो भी बाहर चला गया होगा, हम लोग की खोल के देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। ओ ये क्या, बाहर तो बारिश हो रही है। ओए यार भैया रात में तो हम लोग जा नहीं सकते, एक काम करते हैं यहाँ पर कोई बेड वगैरह होगा तो वहाँ पर थोड़ा रेस्ट करते रहा है। और उधर थोड़ा बेड की बात करें, मैंने ऊपर वाले कमरे में बेड देखा था, फिर तो एलिवेटर में से चलना पड़ेगा हम लोग को। ओए तो ठीक है, चलते हैं हम लोग ऊपर वाले कमरे में और देखते हैं वहाँ पर जो बेड है उस पर हम लोग को आती है या फिर नहीं नींद है। तो चलो यार, एलिवेटर तो पूरी ज़्यादा हिल रही है, हम लोग चलते हैं जल्दी से उस रूम के अंदर और सोने की कोशिश करते हैं। और रुक जाओ, वो वाला कमरा था ना। ठीक है यार भैया, सोने की कोशिश करते हैं। यार भैया अभी हम लोग सो नहीं सकते, वो बाहर ऐसे घूम रहा है, इसलिए गाइस हम लोग नहीं सो सकते इस बार। कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं दिन होने का, और थोड़ा सा हम लोग वेट कर ही लेंगे रहे, और फिर तो जल्दी से नीचे चलना पड़ेगा उसके लिए तो हम लोग को। हाँ यार भैया ठीक है, थोड़ा बहुत नीचे हम लोग टीवी वगैरह भी देख लेंगे। ओ ये क्या, बोबो कैसे मर गया? पता नहीं भैया कैसे मर गया, कोई बात नहीं, हम लोग नीचे चलते हैं और देख के आते हैं गाइस बोबो क्या कर रहा है, और उसके बाद हम लोग जल्दी से वीडियो भी ख़त्म कर देंगे ना। तो चलो थोड़ा सा वेट करते हैं बारिश के रुकने का और दिन होने का। A few moments later. तो गाइस यार बाहर हो चुका है पूरा एकदम ब्राइट डे, और देखो गाइस कितना ज़्यादा बढ़िया मौसम हो गया है। यहाँ पर हम लोग बंद करते हैं इसकी सीक्रेट डोर को और सीक्रेट बेस को। तो गाइस आज तो व्यू आ ही गया है काफ़ी ज़्यादा मज़ा, क्योंकि गाइस आप लोगों ने देखा ही है यार सीक्रेट बेस के अंदर गाइस यार लिफ्ट लगी हुई है, मेरे को तो गाइस काफ़ी ज़्यादा लिफ्ट बढ़िया लगी। तो यहाँ पर थोड़े बहुत हम लोग निशाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि अगली वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बोबो के साथ एक डेंजरस मिशन करने वाले हैं। तो गाइस अगर आप लोग बोबो के साथ जो डेंजरस मिशन है देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करना। हम लोग मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, सभी को बाय बाय।